जम्मू और कश्मीर में एडवाइजरी जारी होने के बाद से न सिर्फ टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों को वापस घर भेजा जा रहा है, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों को भी घाटी छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान के साथ JKCA सपोर्ट स्टाफ को भी जल्द से जल्द घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया है। जम्मू कश्मीर टीम के मेंटर पठान, कोच मिलाप मेवड़ा और ट्रेनर सुदर्शन वीपी के साथ वो सभी चयनकर्ता जो घाटी के नहीं है, उन्हें शहर से चले जाने को कह दिया गया है। इसी के साथ JKCA ने सभी उम्र और ग्रुप से जम्मू के क्रिकेटर्स को वापस उनके घर भेज दिया है, जो श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे थे। आपको बता दें, JKCA ने पठान और बाकी सपोर्ट स्टाफ को जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए कहा है। सुदर्शन पूर्व भारतीय फिटनेस ट्रेनर है, जबकि मेवड़ा बड़ौदा के पूर्व खिलाड़ी है। वहीं आपको बता दें, जो जम्मू कश्मीर के चयनकर्ता नहीं है, उन्हें भी अपने घर जाने के लिए बोल दिया गया है। बुखारी ने बताया, हमने करीब 102 जम्मू खिलाड़ियों को वापस घर भेजा है, जो यहाँ पर कैंप में थे। यहाँ स्थिति तनावपूर्ण है और यहाँ तक कि हमें भी पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए हमने क्रिकेट के इवेंट को आगे के लिए टाल दिया है और वापस शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है, जम्मू कश्मीर से अब इरफान पठान को भी भेज दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर के हालात सच में सामान्य नहीं है। आपको क्या लगता है, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।